हिंदुस्तान के गौरव आदरणीय आशीष अनल को एक बार जोरदार तालियां, आमंत्रण बने उनकी शान में। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं इस शौर्य दिवस पे, शायद मेरे पास इससे अच्छा पढ़ने का कुछ नहीं। एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उसे प्रश्न पत्र में एक सवाल मिलता है, उसका सवाल था उसे वीरता के तीन पर्यायवाची लिखने थे, तीन सिनोनिम्स उसे वीरता के लिखने थे। दोस्त बच्चे को आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा, मैं सैनिकों के बीच में पढ़ रहा हूं, कि प्रश्न था कि वीरता के तीन पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हूँ अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया पहला पर्याय। मैंने आपसे एक बार भी ताली बजाने के लिए कहा नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ यहां खामोश नहीं रहे तो मैं दावा करता हूं 24 घंटे में हिंदुस्तान अगर दिल की धड़कनों में एक बार धड़कता होगा तो अब यहां तालियों का एक महोत्सव होगा। कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक पे जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे, तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ना आपके बीच में खड़ा होके एक सैनिक की भावना जी करके इस पवित्र मंच से गाली दे रहा हूं। कविता के सलीके में गाली कैसे दी जा सकती है मैं जानना चाहता हूं, वो गाली मेरी है या आपकी है? पहली बार पढ़ किस शब्द सुनने आपके, तो सोच शायद दिनेश भैया इससे सलीके से गाली नहीं दे सकता था। किस शब्द सुनने आपके, तो सोच नहीं पाया मैं के शब्द हैं ये पुण्य के या शब्द हैं ये पाप के। बड़े बड़े छोड़ू देखे हमने आज तक, पर्याय ढूंढ नहीं पाए तेरे नाप के। बड़े बड़े छोड़ू देखे हमने आज तक, पर्याय ढूंढ नहीं पाए तेरे नाप के। कि आप माता पिता जी के पुत्र नहीं लगते हैं, परिणाम लगते हैं आपके शिष्या के, परिणाम लगते हैं आपके शिष्या के। आप जिन्हें अपना पिताजी बतला रहे हैं, दीजिए प्रमाण वही है पिताजी आपके। आप कि पहले ही कितना तो खो चुके हैं हम लोग, अपने किए पे बड़ा रो चुके हैं हम लोग। फिर कोई कश्मीर मांगने लगा यहाँ, कोई सिर सीमाओं को लांगने लगा यहाँ। सीमा पर बैरियों ने युद्ध पीर रचाए, साफ हो गई है बात प्यार नहीं बचाए। घर थोड़ा सा भी प्यार बचा होता दिल में, सैनिक हमारे मरते न कारगिल में। तुम्हें उन मौतों का जवाब देने के लिए, बूंद बूंद रक्त का हिसाब देने के लिए, वस्त्र अहिंसा के हमको उतारने पड़े। हम क्या है कि वस्त्र अहिंसा के हमको उतार, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक कि वस्त्र अहिंसा के हमको उतारने पड़े, वस्त्र अहिंसा के हमको उतारने पड़े। तुमने दो मारे हमें भी मारने पड़े, तुमने तो मारे हमें भी मारने पड़े, तुमने दो मारे हमें भी मारने पड़े। सीमा पर पाक जो उगल रहा आग, केसर की कारी में लगा रहा जो दाग है, उसकी भी कोई भी चाल चलने ना दीजिए। आज तीनों में ये पलने ना दीजिए। कैसी उदय परमाणु बम का भरम है, यदि उससे परमाणु, मुझे तालियां सिर्फ वहां चाहिए जहां मुझे चाहिए। यदि उसे परमाणु बम का भरम है, भारत के पास भी ना कोई शक्ति कम है। जिस दिन संयम का साथ छोड़ देंगे हम, जिस दिन संयम का साथ छोड़ देंगे हम, केसर की क्यारी से कराची जोड़ देंगे हम, केसर की क्यारी से। युद्ध करने से हम कभी डरते नहीं, युद्ध करने से हम कभी डरते नहीं, वीर गति पाते हम कभी मरते नहीं, वीर गति पाते हम।
दिल्ली पट्ट तिरंगे में वो जब घर आया था, मेरे घर का एक बेटा मनोज पांडे आता है, मैं उस दृश्य को देखता हूँ, मैंने जो महसूस किया वो आपको सौंपता हूँ। कि लिपट तिरंगे में वो जब घर आया था, सबकी थी आंख नम घर भर आया था, सबकी थी आंख नम गला भर आया था, सर रख गोद में माता दुलारने लगी, माता चूम चूम उसे पुचकारने लगी, पत्नी भी गोलियों के गांव को चुने लगी, पत्नी भी गोलियों के गांव को चुने लगी, देह का वो सूखा रक्त शाव को चुने लगी, सब चाहते थे उसको सलाम करना, पैर छू करके आखिरी प्रणाम करना, जिसने निभाया खूब सैनिक के फर्ज को, प्राण देकर चुकाया मातृभू के कर्ज को, मातृभूमि का वो दुलारा अनन्य हो गया। बाप बोला ऐसा बेटा पामे धन्य हो गया, बाप बोला। वंदे मातरम पे बहुत सारी बातें होने लगी तो मुझे लगा मुझे कुछ वंदे मातरम पे लिखना चाहिए। हाँ, प्लीज। और वो लोग बैठे हैं जिनकी शिद्दतों में, जिनकी धड़कनों में वंदे मातरम रहता है, मैं सौंपता हूँ, दो तीन बन सुन लीजिएगा, दो तीन मिनट मांगता हूँ। स्वागत है। कि अब जो भी आपको सुना रहा हूँ मैं यहाँ, कि अब जो भी आपको सुना रहा हूँ मैं यहाँ, समझो देशभक्ति गुनगुना रहा हूँ मैं यहाँ, बात नहीं है ये किसी राजनीति की सुनो, बात नहीं है ये किसी राजनीति की सुनो, वंदना है माँ की वंदना के गीत की सुनो, माँ की वंदना का परिवेश को ना जाए जी, मुनि और शीला में ये देश को ना जाए जी, इसीलिए मेरे साथ तू भी मुँह खोलना, इसीलिए मेरे साथ तू भी मुँह खोलना, मेरे साथ तू भी वंदे मातरम बोलना, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल बोल, एक एक हाथ लहराते हुए देखना चाहता हूँ, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, यहाँ फिर जाऊँ मैं घोल वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, बोल 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 जरा वंदे मातरम, दसों दिशाओं में घोल वंदे मातरम, यहाँ पे फिर जाके घोल वंदे मातरम, बोल 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 वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे।